अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है मेरे जन, कैसे हम सब। तो आपको पीएमसी के लिए अपने एमडी कैट की रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है वो बताने जा रहा। तो सबसे पहले तो मेरा बेटा यहाँ पे मेन पेज के आपके ऊपर पीएमसी के ऊपर आप देखें तो लिखा हुआ है रजिस्टर फॉर एमडी कैट 2021। तो यहाँ पे आप क्लिक हेयर के ऊपर क्लिक कर दें, और जैसे कि मैंने इससे पहले ही एक लॉग इन एक स्टूडेंट का जिसका इनका किया हुआ किंजा क्या नहीं का। तो सबसे पहले तो मेरा बेटा ये है कि अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो यहाँ पर आप साइनअप करके पहले अपना अकाउंट बनाते हैं, ठीक है जनाब। यहाँ पे साइन अप में आप अपना फुल नेम लिखेंगे, फादर नेम लिखेंगे, अपना आईडी कार्ड एंटर करेंगे, अपना मोबाइल फ़ोन नंबर 92 के बाद, और यहाँ पे विदाउट 9233 जो भी आपका नंबर हो, और वो ईमेल जिस पे आपको वेरिफिकेशन कोड आएगा वो ईमेल और उसका पासवर्ड लिखेंगे तो आप साइन अप हो जाएंगे। फिर उसके बाद मैंने ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है तो मैं यहाँ पे साइन इन करूँगा या लॉग इन करूँगा। तो लॉग इन करने के लिए मुझे अपना पासवर्ड या ईमेल यहाँ पे डालना होगा। मैंने अपना ईमेल डाला, अपना पासवर्ड डाला, और सबसे ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं जब आपके पास आपका ईमेल जो ऑलरेडी वेरीफाइड नहीं है उसकी वजह से। आप देखिए जैसे मैंने लिखा तो अपडेट योर स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट प्रोफाइल नाम लिखा हुआ है आपके सामने, आईडी कार्ड नंबर या उनका फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, तो उसके बाद ईमेल और उसके बाद CNSE या पासवर्ड। उसके बाद जब आप अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप अपडेट के ऊपर क्लिक करते हैं तो एमडी कैट 2021 रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके सामने आ जाता है, जिसमें स्टूडेंट नेम, फादर नेम, पोस्टल एड्रेस आपके ऐड करना है, अपना FSC का जो ग्रेजुएशन नेम है इंस्टीट्यूट का, कॉलेज का नाम वो एंटर करना है, उसके बाद कंट्री एंटर करना है पाकिस्तान है कंट्री, उसके अलावा पाकिस्तान में रहते वुड यू लाइक टू टेक द एग्जाम इन पाकिस्तान, अपनी रिसेंट प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करनी है, CNIC नंबर आप ऐड कर रहे हैं यहाँ पे जो आपने नंबर विदाउट डैश ऐड करना है, CNIC का बी फॉर्म का ये NICOB नंबर है, सिटी ऑफ रेजिडेंस बताएंगे, डोमिसल किस डिस्ट्रिक्ट का वो बताएंगे, अपनी जो CNIC इशुएंस डेट है आपके आईडी कार्ड पे लिखी होती है सबसे पहले मंथ डेट और उसके बाद ईयर वो लिखेंगे, और जैसे ये सारी चीज़ें प्रोसीड और सेव प्रोसीड टू द पेमेंट की तरफ आएंगे, तो जैसे मैंने ये किया क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें ऐड नहीं की तो कह रहे प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, और जैसे आप करेंगे तो आपके सामने उसके बाद जो प्रोसीजिंग पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का MCB का चलान फॉर्म जनरेट हो जाएगा, जिसको अपने किसी भी MCB ब्रांच में जाके डिपॉजिट करवाना होगा। तो ये सिंपल सा प्रोसेस था, लेकिन मैं अगेन आप लोगों को बता दूं सबसे ज़्यादा जो बच्चों का इशू आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इशू सिर्फ इस वजह से आ रहा है कि आप जब यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस लिखते हैं तो आप अपना पासवर्ड नया जनरेट करते हैं, पासवर्ड नया जनरेट ऑलरेडी जो आपका ईमेल एड्रेस है, और जैसे आप ईमेल एड्रेस पे करेंगे तो आपको वेरिफिकेशन के लिए मेल उसी वक्त आ जाएगी, उसको आप वेरीफाई कर दें और उसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंटिन्यू करें। अगेन अगर कोई क्वेश्चन होता है तो आप मुझे वीडियो में कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा, और अपना बहुत सारा सा ख्याल रखिएगा, खुश रहें, आबाद रहें, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो MMA नज़ीर चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह ताला आप सबका आमीन नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।